आजकल के समाज में क्या चल रहा है, क्या क्या मतलब है, क्या सोच के मतलब आजकल क्या चाहते हैं लोग आज? देखो, आजकल सबसे मेन बात यह है कि लड़की लड़का ये चाहता है कि लड़का मेरे पे अटूट विश्वास करे और लड़का ये चाहता है मुझे ऐसी लड़की मिले जो मेरे पे दिल खोले, आंख खोल के नहीं, विश्वास वो करे। तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद जो ये अफेयर चल पर रहा है, जो उससे क्या शादी हो के रहा है? बाद नहीं, जो आजकल जो लोग शादी के बाद ऐसी विविध हरकतें कर रहे हैं या बीवी को धोखा दे रहे हैं या पति को ये पत्नी को गलत धोखा है दे रहे ना? हैं, ये तो गलत है। इसलिए लेकिन हमने हम इसके वही बारे कह रहे हैं कि में आजकल मेरे कई दोस्तों का ये देखता हूँ कि मतलब वो शादी के बाद भी ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी में फोन किसी गर्लफ्रेंड को लगा रहे हैं। बीबी बेचारी घर में भरोसे पे बैठी है, घर में जाता तो बीबी को क्या पता लग रहा, फोन उसका, फोन पे जो कुछ भी होता है वो डिलीट करके किसी लड़की के नाम से सेव कर रखा है नंबर, तो पता नहीं लगता। तो ऐसा लोगों को क्या तो करना चाहिए? यार इसमें तो सबसे मेन बड़ी कमी बात यह है कि उस लड़के को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिस लड़की को वो तो अपनी दुल्हन बना के लेके आ रहा है। देखो, ये होता है कि एक लड़की पल भर की आधे घंटे की मेल मुलाकात में अपने परिवार की सारी खुशियाँ, भाई बहन चाचा ताऊ माँ पिता जो भी है, फ्री थिंग ये फ्री ऑल्टो जो भी रिलेशनशिप है उनको त्याग के एक लड़के के सहारे पे छोड़ देती है। बहुत बढ़िया। कि पहले तो अपना आप खुद ऐसे बन जाओ कि उस लड़की को ऐसा महसूस जोर ना से हो बोलो। कि मैं पराया घर में आई हूँ, ये बात सही है, है कि नहीं। लेकिन आजकल के फिर जमाने में आजकल लोग की बाग लड़कियां भी बहुत गलत ही चल रही है। मैं बहुत सारी लड़कियों को भी देख रहा हूँ, लड़कों ये बात एक तरफा नहीं दो तरफा आता है, क्योंकि एक एक बहुमत से तो किसी की बातों पर विश्वास नहीं किया जाता। जब तक कहते हैं कि पूर्ण बहुमत ना हो तब तक किसी बातों पर विश्वास, अटल विश्वास नहीं किया जाता। लोगों के लिए बनाई हमने एक छोटी सी वीडियो, और भी हम खाते खाते हमने कहा चलो अरे, हमने बीच में एक डेढ़ हफ्ते पहले हमने एक दरअसल यहाँ पर हमारे ही घर में कोई ऐसी चीज़ आ गई थी, तो बीवी किसी और की थी, पति कोई और था, तो हमने इस तरीके से ऐसी चीज़ सर्च मारी यार। हमने कहा चलो हम इतना इस चैनल को बना ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसा भी बना ले, ये हमने इस चीज़ को ट्राई कर। दोस्तों भाई बहनों, जो भी है कि आप जो भी इस वीडियो करें में हमने अच्छा दुनिया करें। का एक ऐसा सच दिखा रखा है कि जो कि इंसान को एक दूसरे पर भरोसा करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, तो इसलिए हमने ये चीज़ अभी एक छोटा सा रील बनाई है। भगवानपुर? बस अच्छा, क्या क्या बताया तूने उसे? साहब बता रखा, मैं शादीशुदा हूँ, दो हाँ? बच्चों का बाप हूँ, फिर भी तेरी गर्लफ्रेंड है? फिर भी मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा गुड, तो गर्लफ्रेंड को साहब बता रखा ना, छुपा क्यों रहा? मैं तो इतना कोई गलत से मेरे परिवार वाले देख लेंगे, मुझे मेरे मेरे बाप को पता है, बट दुनिया को मतलब बीबी को धोखा दे रहा है? मैं धोखा नहीं दे रहा उसको, पता है। बीबी का क्या मैटर है फिर इसमें? बीबी देखो सर है कि पहली बात है कि मेरे बाप ने मुझे बार मुंह मानेगी अनुमति नहीं दे रखी है, तो नहीं दे रखी है, ठीक है। मैं यारी दोस्ती करता हूँ, यारी दोस्ती के लिए लड़के मर गए यार, भगवान करे उन लड़कियों को पता होगा जिनके जिनको मिलने रहे। अच्छा ऐसा ही होता है। बहुत सारे ऐसे थे भगवानपुर में, कहाँ रहती? जैसे अब जैसे बहुत सारे लड़के थे सर ने शादीशुदा होने के बावजूद भी धोखा दे दिया, मैं शादीशुदा नहीं, मैं भी बच्चों है, हाँ ठीक है ना। हम ऐसे नहीं, हम साफ बता देते मैं शादीशुदा हूँ। वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये गलत बात है कि किसी से शादी और किसी की बर्बादी। मैं कर सकूँ चीज़ें दूसरे के घर में आग क्यों लगा रहा है? मैं नहीं लगा रहा किसी के घर में आग, तो आग नहीं लगा रहा तो हो क्या रहा ये? मतलब मैंने भाई अपने घर की भी आग बंद बीवी कर, बच्चे अपने हैं, तो दूसरे के घर पे क्यों आग लगा रहा है? नहीं तो नहीं लगा रहा किसी घर में आग, तो कौन लगा रहा है? आग नहीं है तो क्या है ये? इसको आप थोड़ी नहीं बोलते, ऐसे ऐसे जो चोरी छुपे करता है उसको लगाता है कि हाँ भाई घर में भी बच्चे पड़े यार। अच्छा तू बीवी से परमिशन लेके आया है? भाई बता दे, तो क्यों बताया यार, गलत बात है ना, बीवी से परमिशन लेके आया कि मतलब तू कुछ भी करे? देखो भाई मैं जो शादी, मेरे जब शादी हुई सब कुछ ठीक ठाक हुआ है, जब मेरी शादी हुई हाँ, तो मेरे साथ लड़के भी काम करते थे, तो मैंने अच्छा लड़के से बात करा रहे थे। वो तो ठीक है, मैं समझ गया बीवी।
तो चलो अब पूछते हैं इससे कि क्या आजकल के समाज में क्या चल रहा है, क्या क्या मतलब है, क्या सोच के मतलब आजकल क्या चाहते हैं लोग आज। देखो आजकल सबसे मेन बात यह है कि लड़की लड़का ये चाहता है कि लड़का मेरे पे अटूट विश्वास करे और लड़का ये चाहता है मुझे ऐसी लड़की मिले जो मेरे पे दिल खुल आंख खुल के नहीं विश्वास वो करे। तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद जो ये अफेयर चल पर रहा है जो उससे क्या शादी हो के रहा है। बाद नहीं, जो आजकल जो लोग शादी के बाद ऐसी बेहुदा हरकतें कर रहे हैं या बीवी को धोखा दे रहे हैं या पति को ये पत्नी को गलत धोखा है दे ना, रहे हैं, ये तो गलत है। इसलिए लेकिन हमें हम इसके वही कह बारे रहे हैं कि में आजकल मेरे कई दोस्तों का ये देखता हूँ कि मतलब वो शादी के बाद भी ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी पे फोन किसी गर्लफ्रेंड को लगा रहे हैं, बीबी बेचारी घर में भरोसे पे बैठी है, घर में जाता तो बीबी को क्या पता लग रहा, फोन उसका फोन पे जो कुछ भी होता है वो डिलीट करके किसी लड़की के नाम से सेव कर रखा है नंबर, तो पता नहीं लगता। तो ऐसा लोगों को क्या तो करना चाहिए। यार इसमें तो सबसे मेन बड़ी कमी बात यह है कि उस लड़के को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिस लड़की को वो अपनी दुल्हन बना के ले गया। देखो ये होता है कि एक लड़की पल भर की आधे घंटे की मेल मुलाकात में अपने परिवार की सारी खुशियाँ भाई बहन चाचा ताऊ माँ पिता जो भी है फ्री थे फ्री ऑल तो जो भी रिलेशनशिप है उनको त्याग के एक लड़के के सहारे पे छोड़ देती है। बहुत बढ़िया, कि पहले तो अपना आप खुद ऐसे बन जाओ कि उस लड़की को ऐसा महसूस जोर ना से हो बोलो। कि मैं पराया घर में आई हूँ, ये बात सही है, है कि नहीं। लेकिन आजकल के फिर जमाने में आजकल की लोग लड़कियां भी बहुत गलत ही चल रही है। मैं बहुत सारी लड़कियों को भी देख रहा हूँ, लड़कों ये बात एक तरफा नहीं दो तरफा आता है क्योंकि एक एक बहुमत से तो किसी की बात पे विश्वास नहीं किया जाता। जब तक कहते हैं कि पूर्ण बहुमत ना हो तब तक किसी बात पर विश्वास अटल विश्वास नहीं किया जाता। आपको इस वीडियो पे दिखाने की कोशिश करूँ, मोटिवेशन वीडियो है और ये वीडियो हमेशा हमारे अंदर क्या होता है कि भरोसे की जो दीवार होती है वो हमेशा मजबूत होनी चाहिए। जो हम लोग आजकल क्या करते हैं कि भरोसा एक दूसरे पे कर लेते हैं, लेकिन जब आपको ठोकर लग जाती है, जब आपका भरोसा टूट जाता है, फिर आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आप पे भरोसा करती है तो आपका अगर भरोसा आपने तोड़ दिया एक बार ना, फिर उसका दिल में कभी आपके लिए वो भरोसे वाला प्यार नहीं दिखेगा जो आज की जनता मांगती है, ये आज की जनरेशन मतलब सोच ही बैठा है। क्योंकि एक बार टूट गया तो टूट गया, तो मैं चाहता हूँ ऐसे फाउंडेशन बनाइए कि इन फ्यूचर आपको वो प्यार मिले जो आप जिसके लायक हो आप, और ऐसे दूसरों के साथ जो आपका है जो था वो भूल जाइए, जो है वो उसको संभाल कर रखिए ताकि इन फ्यूचर आपका सपना अच्छा रहे, आपका टारगेट अच्छा रहे, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको जरूर ठोकर लगेगी। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को आगे शेयर जरूर। मैंने भी एक बात लड़के लड़की के विषय में कही थी, ये बात हमने लड़की लड़की के माध्यम पे बना रखी है।